अरे प्यारी राजकुमारी, तुम अपने खिलौनों से क्यों नहीं खेल रही हो? वो पुराने हो गए हैं, मैं उन सब के साथ खेल चुकी हूँ, मुझे कुछ नया चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा खिलौना दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम उसे तोड़ो या खोगी नहीं। जी पापा, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ये लो। धन्यवाद पापा। वाह, देखो राजकुमारी के पास आज नया खिलौना है। फिर से। अरे दोस्तों, पापा ने मुझे ये महंगी गेंद दी है, आओ खेलते हैं। ठीक है, मैं गेंद को सबसे ऊंचा और दूर तक फेंक सकती हूँ, देखो। मुझे गेंद दिखाई नहीं दे रही, ये तालाब गहरा लगता है। गेंद को वापस पाने का कोई तरीका तो जरूर होगा। लगता है ये मेंढक कुछ कहना चाहता है। वाह प्यारी राजकुमारी, मैं आपकी गेंद ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। हाँ हाँ, मैं अपनी सुनहरी गेंद के लिए कुछ भी करूंगी, मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए अभी। धन्यवाद मेंढक, मेरे खाना खाने का समय हो गया है, कल मिलते हैं दोस्तों। लेकिन राजकुमारी, आपका वादा। ये तो गलत है। अरे वो राजकुमारी है। अरे अरे बेचारा मेंढक। अरे छोटे मेंढक, तुम हमारी भाषा समझो और भूल कैसे पा रहे हो? और बताओ तुम राजकुमारी से क्या कहना चाहते थे? मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे शाप दे दिया और मैं मेंढक बन गया। अगर कोई राजकुमारी पूरे 3 दिन तक मेरी देखभाल करे, तभी मैं फिर से राजकुमार बन सकता हूँ। मैं उस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे प्यारे मेंढक, तुम्हें इस बारे में राजकुमारी को बताना चाहिए। वो मेरा भरोसा नहीं करेगी, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मुझे खुद ही महल में जाना होगा।
ए छोटे मेंढक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है। खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मुझे भी आपके साथ खाने की इजाजत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें परेशान करने की? महाराज, मैंने राजकुमारी की मदद की और राजकुमारी ने वादा किया था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगी। बेटी, ये मेंढक किस बारे में बात कर रहा है? पापा, मेंढक ने तालाब से मेरी गेंद निकालने में मदद की थी। मैंने वादा किया था जो ये कहेगा वो मैं करूंगी। लेकिन इसके बाद ये यहाँ वापस आ गईं, इसलिए मुझे यहाँ खुद ही चलकर आना पड़ा। बेटा, अपना वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जी पापा। हाँ, तुम कौन हो? धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। आपको वो मेंढक ध्यान है जो यहाँ आकर 3 दिन तक रुका था? वो मैं ही था। हाँ? एक चुड़ैल ने मुझे शाप दिया था और वो तभी खत्म होता जब एक राजकुमारी मेरा ख्याल रखे, और आपने ऐसा ही किया। मैं आपका आभारी हूँ राजकुमारी। अरे छोटे मेंढक, तुम तो बहुत सुंदर हो, मेरा मतलब राजकुमार। धन्यवाद महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे आपकी प्यारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं उसे अपने महल ले जाकर उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल राजकुमार, तुम्हें इजाजत है। प्रिय राजकुमारी, क्या आप मेरी रानी बनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। अलविदा दोस्तों, आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। अलविदा राजकुमारी। अरे समझ ही नहीं आ रहा उस मेंढक का क्या हुआ? अरे मेंढक ने अपने राजकुमार होने के बारे में बताया था ना। दोस्तों, मुझे लगता है वो वही है जो राजकुमारी के साथ है। दोस्तों, वैसे वो राजकुमार बनकर ज्यादा अच्छा लग रहा है।
जैक, उन फूलों को देखो, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर हैं। पर ये दोनों अलग अलग घरों में क्या कर रहे हैं जैक? ये गर्डा और के फूल हैं जून। वो कौन है? गर्डा और के बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। अपनी दोस्ती को यादगार बनाने के लिए गर्डा इन दो गुलाब के फूलों को लाई थी और दोनों को एक एक बगीचे में लगा दिया। वो अब कहाँ है? के को स्नो क्वीन अपने साथ ले गई और गर्डा उसके पीछे गई है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? गर्डा की दादी माँ से मुझे पता चला। गर्डा और के जैसी दोस्ती नहीं हो सकती। वो हर काम साथ करते थे, वो कभी लड़ते नहीं थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज सुबह अपने पौधों को पानी देने के लिए मिलते थे। ओके, मेरी दादी माँ ने तुम्हारी माँ से तुम्हें आज रात मेरे घर भेजने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हमें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या तुम आओगे? अरे वाह गर्डा, मुझे तुम्हारी दादी की कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं शाम को जरूर आऊंगा। दादी माँ, आज रात आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? क्या तुम बर्फ की रानी की कहानी सुनोगी? ओ हाँ, उससे मुझे बहुत डर लगता है। क्या सचमुच जहाँ भी उसका नाम लिया जाता है वो वहाँ देख सकती है? हाँ, जो भी उसका नाम लेता है उसे वो एक बड़े जादुई आईने की मदद से देख और सुन सकती है। मैं विश्वास नहीं करता। बर्फ की रानी सिर्फ नाम की है। हाँ, वो सच में नहीं है। मुझे नहीं मानते? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे बर्फीले योद्धा तुम्हारी आंखों को ठंडा कर देंगे, हाथों की गर्माहट गायब हो जाएगी और तुम्हारा दिल बर्फ जैसा हो जाएगा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे बाहर कौन है? ओ, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा दिल। क्या बात है के? क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। अरे जरा देखूं तो। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। अरे तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ से चली जाओ गर्डा। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो के की वजह से परेशान हूँ। जिस दिन से वो हमारे घर आया था,
उस दिन से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दो, तुम्हारी सच्ची दोस्ती एक दिन सब ठीक कर देगी। भगवान, ये तो बर्फ की रानी है, ये के उसके पास क्या कर रहा है? दादी माँ ने कहा है कि मेरी दोस्ती से एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मुझे के पास जाना चाहिए। अरे वाह, ये फूल तो बहुत सुंदर है, पर इनमें खुशबू क्यों नहीं है? क्या ये असली नहीं है? अब इनमें से खुशबू आ रही है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। तुम कौन हो? तुम्हारे छूने से मेरे इस बगीचे के फूल फिर से महकने लगे हैं। बर्फ की रानी ने इन्हें शाप दिया था। बर्फ की रानी? क्या आप जानती हैं वो कहाँ रहती है? मेरा नाम गर्डा है। बर्फ की रानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ले गई है, मुझे उसे वापस लाने के लिए जाना है। अरे तुम तो बहुत बहादुर बच्ची लगती हो गर्डा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें नदी के पास इस बात का जवाब मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे के को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तब तक मैं अपनी सेविका को तुम्हारे परिवार के पास भेज कर उन्हें बता देती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। हमें गर्डा के बारे में अभी तक यही पता है कि फूलों की राजकुमारी की सेविका उसका संदेश लेकर आज सुबह ही आई थी। वो ये सब अपने दोस्त के लिए कर रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाती। दोस्तों, जहाँ गर्डा गई है मैं तुम्हें वहाँ बहुत जल्दी ले जा सकता हूँ। हम उससे बहुत दूर नहीं होंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा है शुगर। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। वो वहाँ है, जल्दी करो। फूलों की राजकुमारी ने कहा था मुझे अपने जवाब यहाँ मिलेंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुम दिख रही हो। क्या तुम मुझे रानी के पास ले चलोगी? अब हम क्या करें? अरे वो देखो, चलो उस नाव में चलते हैं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त के को वापस ले जाने आई हूँ, कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए। तुम्हारा दोस्त के? अब वो नहीं रहा, वो तुम्हारा दोस्त था। बस कुछ देर और वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। नहीं के, मैं गर्डा हूँ, मेरे साथ चलो। ओह, तुम्हारे हाथ के ये कितने ठंडे पड़ गए हैं। देख लो गर्डा, तुम्हारा दोस्त अब मर चुका है। नहीं के, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देखो के गाल लाल हो रहे हैं। गर्डा, तुम रो क्यों रही हो? हम कहाँ हैं? ओके, तुम ठीक हो? नहीं, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मेरी शक्तियाँ बेकार नहीं हो सकती। ये तुम्हारी शक्तियों की हार नहीं हुई है शक्तिशाली रानी, ये तो हमारी दोस्ती की जीत हुई है। काश तुमने वो देखी होती। चलो गर्डा, यहाँ से चलते हैं। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि के पास गर्डा जैसी दोस्त है। उसे बचाने के लिए वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे दोस्तों। बिल्कुल, हम हमेशा साथ रहेंगे। लगता है बारिश होने वाली है। आ! अरे जरा देख के चलो। कितना अजीब है ये। तुम ठीक तो हो ना जैक? हाँ हाँ, लगता है वो आदमी शायद थोड़ा जल्दी में है। हाँ, शायद इसीलिए। अरे वो देखो, वहाँ क्या हो रहा है। चलो चलो पता करते हैं। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वो राक्षस मेरी बेटी को उठा ले गया है, वो उसे मार देगा। कृपया कोई मेरी मदद करो। कौन राक्षस? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबा? वही राक्षस जो पुराने महल में रहता है, शहर से काफी दूर। उसने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। कृपया कोई मेरी मदद करो। मुझे लगता था कि वो महल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। नहीं, एक राक्षस वहाँ रहता है, वो बहुत डरावना और दुष्ट है। मुझे सारी बात बताइए चाचा, मैं इस राक्षस के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरी बेला को ले गया है। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ। मैं फिलिप को बाजार ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। बेला, मैं काम पर जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना है मेरी बच्ची? केवल एक गुलाब पिताजी। और मैं फिलिप पर सवार होकर बाजार चला गया।
आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि अंधेरा छा गया और तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी, जोरदार बारिश होने लगी। मैं बाजार से काफी दूर था, इसलिए मैं कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढने लगा। और तब मैंने ये पुराना महल देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। सुनिए सुनिए, अरे कोई अंदर है क्या? मुझे लगता है यहां कोई नहीं है। लेकिन फिर ये स्वादिष्ट खाना किसके लिए है? मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी और वहां सीढ़ियों के ऊपर से एक परछाई मुझे देख रही थी। मैं डर कर महल के बाहर भागा। बाहर रास्ते में मैंने सुंदर गुलाबों से भरा एक बगीचा देखा। मुझे ध्यान आया कि बेला ने मुझसे गुलाब लाने को कहा था, तो मैंने एक तोड़ लिया। अरे चोर, मैंने तुझे रहने और खाने के लिए दिया और तूने मेरे गुलाब चुराए। मुझे तुझे जेल में डाल देना चाहिए। पर ये मेरी बेटी बेला के लिए है, उसने बस यही मांगा था। पिताजी कहाँ है? तुम मुझे उनके पास ले चलो अभी। सुनिए, यहाँ कोई है? पिताजी, पिताजी! बेला, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आई? वो राक्षस तुम्हें भी जेल में डाल देगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती पिताजी। कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, इनकी जगह मुझे रख लीजिए। नहीं बेला, जाओ यहाँ से। क्या मैं जाने से पहले अपने पिताजी को गले लगा सकती हूँ? एक बार ये दरवाजा बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलेगा। चिंता मत करिए पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था कि मैं राक्षस का सामना अकेले नहीं कर सकता। और फिर जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया। कृपया कृपया मेरी मदद करो, मेरी बच्ची। चिंता मत कीजिए चचा, मैं जाऊंगा उस महल में
उस राक्षस को मारकर बेला को घर ले आऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं बेला को ले आऊंगा तब आपको शादी के लिए अपनी बेटी का हाथ मुझे देना होगा। हम उसके बाद तुरंत शादी कर लेंगे। लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या हुआ? हमें मदद करनी चाहिए, वक्त कम है, चलो गुस्टों का पीछा करते हैं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? नहीं, जाओ यहाँ से। मैं बहुत भूखी हूँ और थक गई हूँ, मुझे इस महल से बाहर जाना ही होगा। चुका हूँ, तुम्हें जो अच्छी लगे उसे पढ़ सकती हो। प्यारी बेला, ये जादुई आईना लो, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। धन्यवाद दोस्त। ये जादुई आईना किस काम का है? ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम चाहोगी। जादुई आईने, क्या तुम मुझे मेरे पिताजी को दिखा सकते हो? अरे गेस्टोन कहाँ गायब हो गया? मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। शायद वो महल के अंदर पहले ही जा चुका है। लेकिन कैसे? मुझे तो जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, और ये महल का दरवाजा भी अंदर से बंद है। देखो दोस्तों, वहाँ ऊपर एक खिड़की है। अरे ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? चिंता मत करो दोस्तों। दोस्तों मेरे पैरों को पकड़ो। ये जगह कितनी डरावनी है। हाँ, बेला को ढूंढकर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों वो देखो, ये राक्षस तो कितना बड़ा और डरावना है। हाँ, पर वो बेला को अब नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? राक्षस भयानक है पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। चलो दोस्तों पास चलते हैं, मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। प्यारे दोस्त, मेरे पिताजी बीमार हैं।
क्या मैं उन्हें जाकर देख सकती हूँ? वादा करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ओह प्यारी बेला, जरूर जाओ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ओह पिताजी, आप ठीक तो है ना? मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे डर था कि वो राक्षस तुम्हें कहीं नुकसान न पहुँचाए। भला हो गुस्टों का, इसका मतलब है कि राक्षस मर गया और तुम घर आ गई हो। लेकिन गुस्टों कहाँ है? गुस्टों? नहीं पिताजी, मैंने जादुई आईने में देखा कि आप बीमार हैं, तो राक्षस ने मुझे यहाँ आने दिया। लेकिन अगर गुस्टों ने तुम्हें नहीं बचाया, इसका मतलब है वो राक्षस को अभी भी मारने गया है। क्या? ओह पिताजी, राक्षस ने मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बहुत अच्छा और दयालु है, मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे अभी जाकर उसे उस दुष्ट गुस्टों से बचाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। किसे पता था कि राक्षस का दिल इतना अच्छा होगा? पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। चलो चारों तरफ देखते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने भी रास्ते में बड़ा सा पुस्तकालय देखा, हमें वहाँ जरूर कुछ खास मिल सकता है। ओ, कितना बड़ा पुस्तकालय है। क्या उस राक्षस ने ये सारी किताबें पढ़ी होंगी? वाह, ये तो बहुत रोमांचक हो रहा है। दोस्तों यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। लगता है राक्षस की डायरी है। हाँ? अरे हाँ, उसने तो अपने सारे अनुभव इसमें लिखे हुए हैं। अरे ये देखो, वो तो एक राजकुमार था। ये हुआ था इस राक्षस के साथ। काश उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाए और वो उसे शादी कर ले, ताकि वो फिर से राजकुमार बन जाए। हाँ दोस्तों, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, लगता है ये गुस्टों है। अरे नहीं, हमें उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो राक्षस को मार डालेगा। दोस्तों जल्दी करो। ए राक्षस, बेला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? वो महल में नहीं है, उसके पिताजी बीमार हैं, वो उनकी देखभाल के लिए घर गई है। झूठे राक्षस, बता वो कहाँ है वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अरे नहीं, गुस्टों बहुत गुस्से में है, अगर उसे बेला नहीं मिली तो वो राक्षस को मार डालेगा। पर दोस्तों हम कर भी क्या सकते हैं, अगर सच बता भी दिया तो भी वो हम पर भरोसा नहीं करेगा, वो बहुत घमंडी है। केवल बेला ही उसे समझा सकती है। दोस्तों दोस्तों देखो, लगता है बेला आ गई। नहीं रुको रुको, उसे मत मारो गुस्टों। अरे नहीं, वो महल में अंदर आएगी कैसे? महल का दरवाजा तो अंदर से बंद है। चलो उसकी मदद करें। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ है लीवर। दोस्तों मदद करो, ये अटक गया है।
तुम्हें पता है वो कहाँ है? जल्दी करो, वो बीच वाले हॉल में लड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, पहला कहाँ है बताओ। मैंने तुम्हें बताया तो वो अपने बीमार पिता को देखने गई है। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे? मुझे पता है तुमने उसे महल में ही कहीं छुपा रखा है। रुक जाओ गुस्तो, उसे मत मारो, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूर हटो बेला, मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म कर देने दो। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप नहीं मर सकते, मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या? अरे देखो दोस्तों, शाप का असर खत्म हो गया, सुंदर राजकुमार वापस आ गए। वाह, राक्षस को आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। हाँ, वो सचमुच कितना अच्छा है। वो राक्षस होते हुए भी दिल से सुंदर था, पर किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। सच कहना दोस्तों, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने वो सारी किताबें पढ़ी होंगी। काश वो मेरी होमवर्क में मदद कर देता। दोस्तों, तुम विश्वास नहीं करोगे मैंने क्या देखा। सांता क्लॉस? नहीं, मैंने अभी रास्ते के आखिर में मकानों की तरफ एक बहुत भयानक भेड़िये को जाते हुए देखा है। तुमने क्या देखा? सच में जून? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मैंने नन्ही रेड राइडिंग हुड को भी जाते हुए देखा। अरे नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने जो भी देखा हमें सब बताओ। मैंने रेड राइडिंग हुड को कच्चे रास्ते से होकर जाते हुए देखा। उसके पास ब्रेड की एक खाली टोकरी थी और उसने अपनी पसंदीदा लाल हुड टोपी पहनी हुई थी। वो इतनी खुश थी कि उसने अपने आसपास किसी चीज को नहीं देखा, यहाँ तक कि छिपे हुए भेड़िये को भी नहीं। और बस उछलती हुई पत्थर वाले रास्ते पर चली गई। जैसे ही वो उस रास्ते पर जाने लगी, वो भेड़िया झाड़ियों में से बाहर आ गया। अब रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के लिए दोबारा ब्रेड लेगी। आज मैं उसे खा जाऊंगा। मैं आज उसकी दादी के घर जाऊंगा और दादी बनने का नाटक करूंगा। फिर मैं रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करूंगा। जैसे ही वो आएगी, मैं उसे खा जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो खतरनाक है, हमें उसे बताना चाहिए। हाँ सही कहा जो, आओ दोस्तों चलें। हाँ चलो चलें। हमें कहीं देर तो नहीं हुई ना, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले मैंने उसे पत्थर वाले रास्ते पर जाते हुए देखा था। चिंता मत करो, वो अपनी दादी के पास जाने से पहले उनके लिए बेकरी से ताजी ब्रेड लेती है। हम पहले वहाँ देखेंगे।
नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों। अंकल जी, क्या यहाँ कोई छोटी सी लड़की ब्रेड लेने आई थी? ओह, तुम्हारा मतलब है रेड राइडिंग हुड? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? हाँ, वो कुछ ही देर पहले आई थी। वो आज बहुत खुश लग रही थी। कह रही थी कि अपनी दादी माँ के पास जाते हुए रास्ते के बगीचे में से कुछ फूल लेगी। धन्यवाद अंकल। मुझे लगता है हमें सीधे उसके घर की तरफ जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलते हैं और वहाँ उसका इंतजार करते हैं। वहाँ देखो, कोई दादी माँ के घर में घुस रहा है। ये तो भेड़िया है। हाँ? अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी करो दोस्तों, हम अभी भी काफी दूर हैं। अरे नहीं, ये तो रेड राइडिंग हुड है। अरे ये क्या, वो भी घर के अंदर जा रही है। ओह, देर हो गई। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे दादी माँ, आपकी आवाज तो बदली हुई लग रही है। अरे बेटा, अब मुझे थोड़ा जुखाम हो गया है। दादी माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके कान इतने बड़े हैं। ये सब इसलिए ताकि मैं तुम्हें ठीक से सुन पाऊँ। बेटा मेरे पास आओ। पर दादी माँ, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं? ताकि मैं तुम्हें ठीक से देख पाऊँ मेरी बच्ची। हाँ, और आपकी नाक भी, आपकी नाक कितनी बड़ी है? ताकि मैं तुम्हें ठीक से सूंघ पाऊँ बेटा। मेरे पास आओ बच्ची। पर आपके दांत भी कितने बड़े हैं दादी माँ। ताकि मैं तुम्हें ठीक से खा सकूं। जैसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारी दादी को खाया था। बचाओ, 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 बचाओ। हाँ? अरे बच्ची, क्या तुम ठीक हो? हाँ, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं पास ही में लकड़ी काट रहा था। मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो मैं दौड़ कर यहाँ आया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। हाँ? तो उस भेड़िये ने उसकी दादी को खा लिया और उनके कपड़े पहनकर उसे बेवकूफ बना रहा था। हाँ, अच्छा हुआ वो लकड़हारा वहाँ आ गया। चलो चलो घर चलते हैं दोस्तों, उस भेड़िये ने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ सचमुच, चलो घर चलते हैं। अजीब सा दिन है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा। शुगर, तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर पर ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलूँगा। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, सब मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लो ये बीज ले जाओ और इसे रात को गमले में लगा देना। धन्यवाद मेरी दोस्त। खूबसूरत गली है। ओ, कितनी खूबसूरत बच्ची है। तुम मेरे अंगूठे के बराबर हो। मैं तुम्हारा नाम थंबलीना रखूंगी। माँ आप कितनी अच्छी है। ओ मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, तुम्हें बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत से सुंदर कपड़े भी बनाऊंगी। कितनी सुंदर लड़की है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा। देखो देखो, वो मेंढक थंबलीना को ले जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। अरे नहीं, वो दूर जा रहा है। चलो थंबलीना की माँ को बताते हैं। नहीं, उसका पीछा करते हैं, कहीं वो थंबलीना को लेकर गायब न हो जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाया हूँ। सुंदर है पापा, लेकिन बहुत कमजोर है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, तब तक ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक इसे तालाब में लिली के पत्तों के ऊपर बैठा देता हूँ। इस तरह से ये कहीं नहीं जा पाएगी। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और उसे वापस ले आऊंगा। तब तक तुम लोग उस लिली के पत्ते को पकड़ो। पानी का बहाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा। बोट कर भी ऐसा मत करना। तो अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वो देखो। ओह, वो बैकट जा रही है, चलो उसका पीछा करें। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख लूं। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं श्रीमान, आप और मैं बिल्कुल अलग हैं। हम रोज एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। वाह, वो फिर से बच गई। मुझे नहीं लगता उसे हमारी मदद की जरूरत है। आ,
इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ जमीन पर क्या कर रही थी? हाँ, इसे आसमान में ही रहना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। परेशान मत हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो कितनी अच्छी है और बहादुर भी। हाँ, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्त, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें फूलों के राज्य में ले चलूंगी। नहीं चिड़िया रानी, मुझे घर पहुँचने का रास्ता ढूँढना है। ठीक है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो मेंढक अपने बेटे की शादी मुझसे करा देगा। थंबलीना, थंबलीना, मेरी उंगली पकड़ो। चलो उनका पीछा करें। आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म किसी फूल से हुआ है। आप जरूर फूलों की राजकुमारी हैं। मुझे तो फूलों की राजकुमारी के बारे में पता ही नहीं था। इसी तरह उसका जन्म एक फूल से हुआ था। थंबलीना के लिए कितना रोमांचक रहा होगा ना? और हमारे लिए भी। शुगर, हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्तों। Friends.